तो हेलो एवरीवन, और आज की जो वीडियो है ये अपनी पूरी वीडियो अपने होने वाली है अपने सैक्रम वर्टिब्रा के ऊपर। और इस पूरे सैक्रम वर्टिब्रा को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको इसका पूरा बोन का चार्ट बनाया है, और ये बोन का चार्ट आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जनरल फीचर बताता हूँ अपने सैक्रम बोन के। तो टोटल सैक्रम बोन जो है उसके अंदर एक अपना ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है इसका पूरा बेस, देन इसमें नीचे की तरफ अपना इसका प्रेजेंट होता है एपेक्स। और अगर आप देख पा रहे हो इसके एपेक्स में जो है ये अपनी प्रेजेंट होती है कॉक्सिक बोन, अपनी कॉक्सिक बोन वो जो है अपने अटैच रहती है इसके एपेक्स में। उसके अलावा फिर अपन बात करें इसके सरफेस पे, तो टोटल इसमें अपनी तीन सरफेस होती हैं अपने सैक्रम में। इसके अंदर की तरफ अगर आप देखो इसके कॉनकेव सरफेस प्रेजेंट है जिसे अपन बोलते हैं पेल्विक सरफेस, देन इसके डॉर्सल में इसकी एक प्रेजेंट होती है पूरी डॉर्सल सरफेस, देन दोनों साइड इसकी एक होती है अपनी लेटरल सरफेस। फिर मैं आपको जनरल फीचर में इसका बताता हूँ सैक्रल कैनाल। अगर आप देख पा रहे हो इसके बेस में आपको ये जो अपने सैक्रम वर्टिब्रा की बॉडी के जस्ट पीछे यहाँ पे आप उनको वर्टिब्रल फोरामेन देखने को मिलेगा। ये जो वर्टिब्रल फोरामेन जो है यहाँ पे अपना अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है और अपना यहाँ पे बना लेता है सैक्रल कैनाल। ये आप देख पा रहे हो इस पूरे को अपन बोलते हैं सैक्रल कैनाल। और यहाँ पे सैक्रल कैनाल के अलावा यहाँ पे अपने सैक्रल फोरामेंस भी होते हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो टोटल होता क्या है यार, अपने यहाँ पे चार सैक्रल फोरामेंस होते हैं। एक्चुअली में मेरी ये जो बोन है यहाँ पे थोड़ी सी टूट गई है, बट यहाँ पे एक दो तीन और चार, कुल मिला के यहाँ पे चार सैक्रल फोरामेंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये सारे सैक्रल फोरामेंस जो होते हैं ये आपको दिख पा रहा होगा, ये जो अपनी कैनाल होती है ना सैक्रल कैनाल उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा ये जो अपने सैक्रल कैनाल जो है वो अपना नीचे की तरफ जाके कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आप देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सैक्रल हियाटस। ये अपनी पूरी सैक्रल कैनाल है वो नीचे की तरफ अपना एक बनाती है सैक्रल हियाटस। तो मैंने सारे आपको उसके जनरल फीचर बता दिए, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसको बेस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो टोटल अगर आप देखो इसके बेस में आपको यहाँ पे तीन मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक आर्टिकुलर सरफेस होती है उसे अपन बोलते हैं लंबो सैक्रल आर्टिकुलर सरफेस। और इस लंबो सैक्रल आर्टिकुलर सरफेस से अपना क्या होता है, ये जो अपने लंबर वर्टिब्रा जो है फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकुलेशन बनाती है। तो एक इसमें एक होता है अपना लंबो सैक्रल आर्टिकुलर सरफेस, देन जो लंबो सैक्रल आर्टिकुलर सरफेस जो है अगर आप देखो वो हल्का सा यहाँ पे एक एलिवेशन प्रोवाइड करता है। उस एलिवेशन को अपन बोलते हैं सैक्रल प्रोमोंटरी। उस सैक्रल प्रोमोंटरी के अलावा यहाँ पे दो अपन को विंग शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे अपन बोलते हैं आला। तो टोटल अपन को यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक अपना यहाँ पे होता है आर्टिकुलर सरफेस, देन एक सैक्रल प्रोमोंटरी, फिर दूसरा स्ट्रक्चर अपना होता है सैक्रल आला। अब जो सैक्रल आला जो है वहां से क्या होते हैं कुछ अपने स्ट्रक्चर इसके ऊपर से पास करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो लेटरल टू मीडियल में आपको बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑब्टुरेटर नर्व। ऑब्टुरेटर नर्व के बाद फिर अपना होता है इलियो लंबर आर्टरी, देन अपना होता है लंबो सैक्रल ट्रंक, और लास्ट में अपने यहाँ पे पास करता है सिंपैथेटिक चेन। फिर अपन इसके एपेक्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके एपेक्स पे अपना कॉक्सिक बोन अटैच है और अपना बनाती है सार्कोकॉक्सिक जॉइंट। उसके अलावा फिर मैं आपको इसकी सरफेसेस में बताऊं तो इसकी जो पोस्टीरियर पेल्विक सरफेस जो है वहां से आपको एक मसल का ओरिजिन होता है। मैं आपको मिली सरफेस में सारे मसल के अटैचमेंट ही बताने वाला हूं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी पेल्विक सरफेस से साइड में यहां पे आपको एक अटैचमेंट देखने को मिलेगा, उसे अपन बोलते हैं पायरीफॉर्मस मसल। देन फिर अपन इसकी देखें डॉर्सल सरफेस, तो इसकी डॉर्सल सरफेस से टोटल दो मसल का अपना ओरिजिन होता है। सबसे पहले इरेक्टर स्पाइनी मसल का और अपना एक मल्टी, फिर दूसरी अपने एक मल्टीफीडस मसल का। ये मल्टीफीडस मसल जो है वो अपनी डीप में थोड़ा प्रेजेंट होती है बॉडी में। देन फिर अपन बात करें इसके लेटरल साइड, तो इसका लेटरल साइड जो है सबसे पहले सैक्रल जॉइंट जो है वो अपना हिप बोन का जो इलियम वाला पार्ट जो होता है ना उसके साइड जॉइंट बनाता है, उसे अपन बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा इसकी बाकी लेटरल सरफेस पे जो है वो अपनी एक मसल अटैच होती है, उसे अपन बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और इस मसल के अलावा यहाँ पे दो लिगामेंट भी अटैच हैं जिसे अपन बोलते हैं सार्को ट्यूबरस लिगामेंट और सार्को स्पाइनस लिगामेंट। देन अब अपन देखते हैं
इसके सैक्रल कैनाल के बारे में। तो इसका जो सैक्रल कैनाल जो है टोटल, आपको इसके कंटेन अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या क्या कंटेन इसमें टोटल पास करते हैं। तो टोटल इससे अपने चार चीज जो है पास करते हैं, एक अपना लोअर पार्ट ऑफ क्वाडा इक्वाइना, उसके अलावा फाइलम टर्मिनालिस, देन स्पाइनल मेनिंजेस, उसके अलावा लेटरल सैक्रल वेसल। तो ये चार चीज जो है अपने सैक्रल कैनाल से पास करते हैं। उसके अलावा आप जानते हो ये सैक्रल कैनाल नीचे की तरफ एक अपना बनाती है सैक्रल हियाटस, और सैक्रल हियाटस से टोटल अपनी तीन चीज पास करती है, एक अपनी S5 नर्व मतलब सैक्रल की फिफ्थ नर्व, उसके अलावा एक अपनी कॉक्सियल नर्व और अपना फाइलम टर्मिनालिस। तो ये पूरा मैंने जो है आपको सैक्रम बोन अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपने होने वाली है इसकी कॉक्सिक वर्टिब्रा के बारे में, और उस वीडियो का लिंक आपको प्राइ बटन पे मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।